ऋतुराज गायकवाड पुणेरी बाप्पा तुमच्या टीमचा कॅप्टन आहे. सो हाऊ डज इट फील टू शेअर द ड्रेसिंग रूम विथ अन आयकन प्लेअर लाइक हिम? इट फील्स व्हेरी गुड. खूप काही गोष्टी त्याकडून शिकायला मिळतात. व्हेन आय फर्स्टली एंटर्ड इन ड्रेसिंग रूम नाही का, तो पहिले तो थोडा नर्वस था. देन उसने खुद नहीं ऐसे नहीं सामने से आके बात किया. यस, सामने से आके बात किया. सो उधर एक थोड़ा नहीं थोड़ा प्रेशर रहता तो उधर ही निकल गया था. बहुत अच्छा लगा मुझे. मेरा एक सपना था कि ऋतुराज के साथ खेलना था, वो पूरा हो गया आज. बहुत अच्छा लगता है. पहली बार तो इतने बड़ा प्लेयर है, इतना कुछ खेला है, वो बहुत कुछ एडवाइस देता है वो. एनी स्पेसिफिक थिंग जे त्याने तुम्हाला सांगितलं अजून पण डोक्यात राहिली? मला ऍक्च्युअली तो आमच्या पार्टनरशिपच्या वेळेस बोललेला की तू शेप चांगला होल्ड करतोस आणि तुझे जे शॉट्स आहेत त्याला जास्त बॅक कर. ते माझ्या डोक्यात मी जास्त ठेवले. जब भी एकदम बॅटिंग करते तो बॅटिंग में आपका इंटेंट हमेशा पॉझिटिव्ह राहणार आहे. एक तो 200 करना है, नहीं तो 100 के नीचे ऑल आउट होंगे, पर मारेंगे. यही इंटेंट से बैटिंग करना है वो बोल. जैसे कि उसने मुझे बोला है कि मैं इतने साल से जो करता है वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं उस पर ही फोकस करता हूँ. जो मेरे शॉट्स है वही बैक करता हूँ और जो हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ वही. कुछ ये एम्पियर तो कुछ अलग नहीं करना है मुझे. और कहीं ज़्यादा मतलब बॉलिंग के बारे में बताते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ प्रेशर डालते प्लेयर्स को बैक करते हैं उसके बाकी कुछ नहीं है. तो बेसिकली MS धोनी वाला वाइब आता है उनमें से. यस.